कहते हैं समय कभी एक सा नहीं होता है, हर किसी को कभी ना कभी अच्छे और बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। इस बात हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के परिवार की। बुमराह के परिवार की हकीकत सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। करेम बुमराह, ही गेट्स द ब्रेक थ्रू, डेड आई। जसप्रीत बुमराह के दादा संतोष सिंह उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के छोटे से कस्बे किशा में आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। किराए के टूटे फूटे कमरे में गुजर बसर कर रहे हैं। टेम्पो चलवाकर अपने और अपने छोटे अपाहिज बेटे का किसी तरह से पेट भर रहे हैं। बता दें कि एक समय संतोष सिंह का अहमदाबाद में बहुत रुतबा था। वो लग्जरी गाड़ियों और प्लेन में सफर करते थे। अहमदाबाद में उनकी 3 फैक्ट्रियां थी। सारा कारोबार क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के पिता जसवीर सिंह बुमराह संभालते थे। जसवीर सिंह की 2001 में मौत हो गई और फैक्ट्रियां आर्थिक संकट से घिर गयी। पोता है जसप्रीत सिंह बुमराह, जो बॉलर है, मेरे को उनको देख के बहुत खुशी हुई। मैं टीवी में उनको देखा, टीवी में देख के मैं इतना खुश हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरा पोता एक अच्छा बॉलर है और मैं उसके आगे बढ़ने के लिए बहुत तमन्ना करता हूं कि वो आगे बढ़े और तरक्की करे, इंडिया का बेस्ट बॉलर बने। ये मेरी दिली ख्वाहिश है और मेरी इच्छा है कि मैं उसके गले मिलूं और वो मेरे में गले मिलके हम आपस में प्यार बांटे और आपस में खुशियां बांटे। What a fantastic delivery to get first up. We spoke about him being an X-factor bowler, a mystery bowler, an unorthodox bowler, and this is why he's so effective. चौरासी साल के संतोष सिंह बुमराह को अपनी मुफलिसी से कोई शिकायत नहीं है। वो इसे ईश्वर की देन मानते हैं, लेकिन अपने पौत्र जसप्रीत को भारत की क्रिकेट टीम में तेज गेंदबाजी करते देख उन्हें बहुत खुशी होती है। संतोष सिंह का कहना है कि जीवन के आखिरी पड़ाव में पौत्र को गले लगाकर प्यार करना और उसे आशीर्वाद देना चाहते हैं। क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के दादा की आर्थिक संकट की जानकारी मिलने पर एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर जानकारी ली और उनको आर्थिक मदद का भरोसा दिया। मेरा नाम जसविंदर सिंह बुमराह है और मेरा भतीजा है जसप्रीत सिंह बुमराह, मेरे भाई का लड़का है और वो भारतीय क्रिकेट टीम में जब से आया है, जब से हमने उसको टीवी में देखा है, हम यही दिली ख्वाहिश है कि उससे अच्छी तरह से मिले और प्यार बांटे और उसको आशीर्वाद दें। जी, हम जरूर मिलना चाहते हैं, या तो वो हमको बुलाएं और या तो हम उससे मिलना चाहते हैं। जसप्रीत बुमराह के परिवार ने समय की मार को करीब से देखा है और उनको महसूस भी कर रहे हैं। भले ही आज संतोष गरीबी में हो, लेकिन अपने पौत्र को गेंदबाजी करते देख उनका दिल जवान हो जाता है। सब कुछ भूलकर वो अपने पौत्र से मिलने का सपना संजोए हुए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जसप्रीत अपने दादा से मिलने कब आते हैं। रुद्रपुर से के न्यूज के लिए सुशील चौहान की रिपोर्ट।